कैसा लगा बुमराह जी का कप्तानी, ये मानना पड़ेगा। हमें लग रहा था बुमराह जी लंबे लंबे फेंक रहे हैं। बिफोर कैप्टनसी बुमराह ने कहा कि ना मैंने रोहित से कोई सलाह लिया ना ही विराट से, मैं अपने तरीके से जो है कप्तानी करूँगा। उन्होंने खुद को साबित कर दिया। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उसी के घर में ऑलमोस्ट 70 रन के अंदर 7 विकेट ले लिया। स्टीव स्मिथ जैसे बैट्समैन को दूसरी बार डक पे आउट करना, मार्नस लबुचने जैसा बैट्समैन 50 बॉल में सिर्फ 2 रन बना के आउट हो रहा है, मतलब ये कुछ एक नए कैप्टनसी जो है इंडिया में शुरू होने वाला टेस्ट कैप्टन का। तो चलो शुरू करते हैं फिर से। बॉलर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच खेला गया पर्थ पे, जिसमें भारत की तरफ से कप्तानी कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तानी कर रहे हैं पैट कमिंस। तो भारत की तरफ से 2 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया, एक नीतीश कुमार रेड्डी और दूसरे हर्षित राणा, सॉरी तीसरा और एक है देवदत्त पड्डीकल। एंड ऑस्ट्रेलिया की ओर से एक लड़का ने डेब्यू किया, ओपनर मैथ्यू मैक्विंसी ऐसा कुछ या नाथन मैक्विंसी। तो टॉस जीत के जो है बुमराह ने बैटिंग करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलियन ने अपने हिसाब से पिच बनाए, फास्ट पिच बाउंस पिच, और उनका फ़ायदा हुआ, जिसका रिजल्ट ये हो गया इंडिया जैसी टीम जो है 150 में ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया का जो टीम था काफ़ी खुश था, उन्हें लगा होगा कि आगे बढ़ जाएगा, फिर जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग वो लोग भी काफ़ी खुश थे, उल्टा सीधा ट्वीट तो आ ही रहा था। देन उसके बीच बुमराह ने और सरप्राइज कर दिया। जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आती तो 10 रन पे पहला विकेट गिरता है, देन एक मिस होता है कैच, कोहली कैच छोड़ देते हैं आई मीन लाबुचने का, देन 19 रन पे दूसरा, फिर 34, फिर 59, ऐसे करते तो ऑस्ट्रेलिया जो है 59 में 7 विकेट खो देती है। एक टाइम हैट्रिक होने का चांस था जब 19 में 3 चला जाता है। स्टीव स्मिथ अपने टेस्ट करियर में दूसरी बार जो है डक का सामना करते हैं, आते हैं आउट होकर निकल जाते हैं, इससे पहले उन्हें जो है डेल स्टेन ने आउट किया था। और जसप्रीत बुमराह भारत की तरफ से 4 विकेट लेते हैं, उनके साथ देते हुए 2 विकेट लेते हैं मोहम्मद सिराज और इम्पोर्टेंट 1 विकेट लेते हैं हर्षित राणा, जिनका नाम है ट्रेविस हेड का। और भारत ने सिर्फ 3 पेस बॉलर ही यूज किया है, वहीं ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से उन्होंने 4 फास्टर यूज किया, 1 स्पिनर यूज किया, स्पिनर को विकेट नहीं मिला, उनके फास्टर सभी को विकेट मिला। 2 विकेट जो है कैप्टन पैट कमिंस लिए, 2 विकेट जो है मिचेल मार्श लेनी है, और 2 विकेट मिशेल स्टार्क एंड 4 विकेट जो हेजलवुड लिए। हेजलवुड के बॉलिंग काफ़ी परेशान कर रही थी टीम इंडिया को, बहुत बाउंस हो रही थी, कोहली उसी का शिकार हो गए। बाकी जो हमारे लास्ट में आउट हुए रेड्डी चाहते तो रुक सकते थे, पर उन्हें लगा कि जल्दी निपटा के अपना 50 पूरा कर लेता हूँ, इसी चक्कर में आउट हो गई। बट इट्स ओके, इंडिया जो फाइटिंग स्पिरिट में गई है और जो खेल रही है, लग रहा है कि कल ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर देंगे और हम लीड भी ले लेंगे। और एक तरफ इशारा ये कर रहा है कि मैच अपना है, इंडिया मैच जीत सकता है और इंडिया जीत की ओर है। यही उम्मीद रखी कि बुमराह जो अपनी कैप्टेंसी जो शुरू की है एरा, ये बहुत अच्छी, एक लीडर जो आगे से मतलब सबको ले रहा है, खुद आगे जा रहा है अपने पीछे सबको बुला रहा है, चलो आओ मैं हूँ, टेंशन मत लो, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जैसे धोनी तो चेस में वो थे, यहाँ बुमराह जो है डोंट वरी, विकेट लेने के लिए मैं काफ़ी हूँ, कोई भी पीछे हो। तो ऑस्ट्रेलिया जो है खुद का जो गड्ढा खोदा था, मतलब इंडियंस को परेशान करने के लिए बाउंस पिच बनाया था, उसी में खुद फंस गया। दिस इज़ द स्टोरी, लेट्स कल देखेंगे क्या होता है। आज के लिए तो यही है, इंडिया आगे है।